बनिया है, बेला है, सिनुआ पार है, बेनुआ टीकर है, इमा कतारी करजई है, देवकली है, तमाम ऐसे गांव है जो चंदा घाट से सीधे सीधे जुड़ेंगे। और समय रहते बंधों की जो मरम्मत है वो होनी चाहिए। और कृष्ण जी का और माननीय विपिन सिंह जी विधायक का यह क्षेत्र लग जाता है। इधर लोकसभा बास गांव बिमले जी और कमले जी जो हमारे साथियों, अभी हमारी उपस्थिति चन्ना घाट पे है और चन्ना घाट पे आने का वजह मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है और इस बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र को आज मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले चन्ना घाट के पुल के विषय में मैं आपको बता देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस पुल का लोकार्पण 2017 में किया गया और ये चालू जो है 7 जनवरी 2022 को ये पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया और लोगों के आने जाने के लिए रास्ता खोल दिया गया। लेकिन बड़ी बात मैं बता दूं, ये जो सिर्फ पुल आपको दिखाई दे रहा है कि ये पुल ही सिर्फ यहाँ से वहां तक आपको ऊंचा दिखाई देगा, लेकिन ये जो सड़क जो है शहर से जो जोड़ने वाली है वो पूरे तरीके से जो है कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी पानी जो है 1 से 2 फीट अगर ऊपर आती है तो ये जो कनेक्टिविटी शहर से हो रही है वो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट जाएगी। और ये तस्वीरें आपको देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब पानी का जो रफ्तार बढ़ने का है वो अब धीरे धीरे खतरे के उफान से और ऊपर आने वाला है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, यहाँ पे एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के स्थानीय निवासी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है जी, और मैं यही बगल गांव रुदान मझगावा का निवासी हूँ जी, जी। और इस पुल के लिए हम लोग लगभग 2015 से ही एक संगठन बना करके नवयुवकों का, तमाम ग्रामवासियों का और क्षेत्रवासियों का एक संगठन बना करके हम लोग इस पुल के लिए एक लड़ाई लड़े, एक आगाज हम लोगों ने उठाया। और उस समय गवर्नमेंट अखिलेश जी की थी, उसके बाद परिवर्तन हुआ, योगी जी की सरकार बनी और 2017 में ही जो है इस पुल का जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अच्छा जी। और अच्छा, इस शिलान्यास करने के बाद क्या लग रहा है कि गांव की जो तस्वीरें हैं वो बदल गई? जरूर। और इस पुल से जो ये पुल के बारे में आपको बताऊंगा, ये चंदा घाट पुल इतनी जरूरी जो 3-3 विधानसभाओं को जोड़ रहा है, बासगांव, चौरी चौरा, शहर ग्रामीण, 3 विधानसभाओं, 2-2 लोकसभाओं को जोड़ रहा है। कम से कम इस पुल से या सीधे इधर से देख लीजिए वाराणसी जो है, वाराणसी राजमार्ग NH-29 जो नौसर से गोरखपुर से सीधे वाराणसी को जाता है और इधर जो है गोरखपुर से कसिया कुशीनगर पड़रौना यहाँ तक बिहार तक लुम्बिनी सारनाथ तक यह मार्ग जाता है, सीधे सीधे जोड़ने का यह पुल कार्य करता है। अच्छा, तो अच्छा ये जो तस्वीरें आपको मैं थोड़ा सा कैमरा में सहयोगी जो है हमारे दिखाना चाहेंगे, ये जो लोग रहते हैं अब क्या इनके लिए कोई व्यवस्था किया गया है? किला के पास से एक जो है राप्ती मैया 1998 में काट दी थी, वहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, प्रस्तावित है, कार्य बहुत गति से हो रहा है। उसी के बीच में 3-4 गांव हैं, अजमा कतरारी, करजही, नवापार, बिलराहा, ये तमाम प्रत्येक वर्ष में रुंड होते हैं। संभवतः अगर वहाँ पुल बन जाए तो इसका जो है जुड़ाव हो जाएगा, परंतु जो ये बंधा है जो चंदा घाट को सीधे 20 गाँव को जोड़ रहा है इस पर अभी तक खड़ंजा या कोई भी पीचिंग इत्यादि का कार्य अभी तक नहीं हो पाया है, जो जनहित के लिए नितान्त जरूरी है, जिससे लोग 20-25 के गाँव इधर जो है मलाव है, करवनिया है, बेला है, सिनुआ पार है, बेनुआ टीकर है, इमा कतारी, करजई है, देवकली है, तमाम ऐसे गांव है जो चंदा घाट से सीधे सीधे जुड़ेंगे और इससे शहर से जुड़ जाएंगे। अभी मैं एक तस्वीर आपको दिखाया था कुछ दिन पहले कि किस तरह से जिलाराहा जो गांव है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, उसकी गांव शहर से जो कनेक्टिविटी के जो रास्ते थे वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कट चुके थे और वो मैं लगातार जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहां पे जा करके दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि क्या वहां प्रशासन का कोई व्यवस्था हुआ है या नहीं, जो लगातार ये कहते हैं कि बाढ़ के लिए पूरी तरीके से नगर निगम तैयार है, बाढ़ के लिए जो बाढ़ क्षेत्र है वहां पे प्रशासन के लोग तैनात हैं, क्या वास्तव में ये धरातल पे काम ऐसे हो रहे हैं? जी जरूर, मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ से जो है चंदा घाट से फिर कनेल मझगावा को जोड़ते हुए और यह खसियार के लिए जाता है जो कि एकदम बंधे से सट करके अभी सामने से आई। एक बहुत विशेष बात है कि जो हमारी राप्ती है गुर्रा के लिए कटती हैं, तो राप्ती जो है इधर से बरही डे घाट होते हुए जो काफ़ी दबाव होता है और इधर से कट करके जाती है, तो अनवरत इस पर जो कार्य चल रहे हैं, सिंचाई विभाग से भी अधिकारी बंधु लगे हुए हैं, जैसे भी इत्यादि सभी लगी हुई हैं, लगातार कार्य चल रहे हैं। और ये जो मतलब इसका
का एक सिस्टम होना चाहिए, जुड़ाव का जो सिस्टम होना चाहिए। जैसे आप इस पुल के बारे में ले लीजिए, पुल तो बन गया, बहुत ही सुंदर पुल बना, लेकिन जो संपर्क मार्ग जो होता है, अभी ऊंच गांव है, अभी जो सेमरा मानिक चक जिसे हम बोलते हैं, ऊंच गांव के साइड से जब बंधा जाता है तो आने वाले समय के लिए जब भारी गाड़ियां चलेंगी तो हमें नहीं लगता है कि इस रास्ते से पार कर पाएंगे। अगर इन्होंने बेलवार से द्वारीकरण कराते हुए तरकुलानी रेगुलेटर से ला करके जो ट्रांसपोर्ट नगर से बंधा जंगहा के लिए जा रहा है इसमें इन्होंने जोड़ा है, तो अगर वाराणसी राजमार्ग को ये बाईपास को जोड़ते हुए, इधर से आप दिखाइएगा जरा, इधर से जो बाईपास है इस बाईपास को जोड़ते हुए अगर इसको बाईपास निकालते हैं यहाँ से सीधे कुएं के पास जो तरकुलानी रेगुलेटर से होते हुए जंगहा के लिए निकलेगा, तो वास्तव में जनता के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और सीधे शहर को, लगभग मैं कह रहा हूँ बिहार को, कसिया कुशनगर पड़रौना देवरिया जो है चौरी चौरा तमाम स्थानों को, और तरकुलहा माता देवी बुढ़िया माता देवी तमाम धार्मिक हमारे स्थल हैं, यह जोड़ेगा मतलब नितान्त जरूरी। अभी तो फिलहाल तत्काल में जो बाढ़ की समस्या है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, ये जो रास्ता है जो सेमरा मानिक चक से जाता है, अभी एक से डेढ़ फीट अगर पानी जलस्तर बढ़ जाए तो, अगर एक से डेढ़ फीट अगर जलस्तर बढ़ जाए तो तुरंत टूट जाएगा। फिर हम लोग इस अप्रोच की अभी दुर्घटना देखिए, पत्थर बोल्डर जो है ये रोड पर रखा हुआ है, इस पर भी पीचिंग नहीं हो पाया, अगर बाढ़ बढ़ता है तो बेला के पास सीधे धारा जो है ना इधर आ जाएगा, तो ये भी टूट सकता है, तो समस्या पीचिंग नहीं हुआ सर, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही भी तो कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बाढ़ का जो समय है वो यही होता है, और इस समय जो है अभी वो कार्य ही नहीं हुए है जो कहा जा सके कि बचाव हो सकेगा गांवों की। नहीं, मैं तो जो है लगातार जो है यहाँ के जो हमारे मीडिया बंधु हैं और या जो जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों से लगातार मैं इस बात को रखते रहता हूँ, और जो विभागीय कर्मचारी हैं उनसे भी मेरी वार्ताएं लगातार होती हैं, लेकिन अब कहाँ से क्या उदासीनता बन रही है यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज जी का अभी महज मतलब शहर के नज़दीक है, हम लोग अभी आधा पुल पार करते हैं ना तो रविकिशन जी का और माननीय विपिन सिंह जी विधायक का यह क्षेत्र लग जाता है, इधर लोकसभा बासगांव बिमले जी और कमलेश जी जो हमारे मंत्री हुए हैं वर्तमान समय में, तो थोड़ी सी समस्या ये चीज आती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहूंगा कार्य गति है, लेकिन जो जिनविन कार्य जो ये दर्द है, समाज की दर्द है जो बहुत ही नितांत जरूरी है, इन विषयों पर इन लोगों का जरूर ध्यान होना चाहिए कि क्या जरूरत की समाज की जरूरत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो इनका ये कहना था कि समय रहते बंधों की जो मरम्मत है वो होनी चाहिए, और बिल्कुल भी मैं भी यही कहूंगा कि समय रहते जो है बंधों की जो मरम्मत है वो होनी चाहिए। बाकी ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है वो मैं दिखा पा रहा हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं बाढ़ग्रस्त एरियो को लेकर के, जहाँ पे सेटेलाइट चैनल नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ से हम कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पाटर के साथ मैं कुमार बबलू, और आप देख रहे थे ABC हिंदुस्तान।